Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur. Today we'll be starting with the part 2 of the history class 8 chapter from trade to territory, right? So part 1 humne already cover kar liya hai is chapter ka from trade to territory ki kaise East India Company aur baki jo European companies hain wo trading ke purpose se aate hain and dheere dheere gradually kaise East India Company territory expansion ki taraf move karti hai, right? So part 1 we have already covered. Right now we are going to proceed with the part 2 of this chapter, right? So isme hum baki ki cheeze dekhenge. So last topic जो हमने part 1 में पढ़ा था वो था the company officials started to become nawabs, कि वो नवाब की तरह ख्वाब देखने लगे. बहुत सारी कुछ लोगों ने wealth भी accumulate कर दी, अच्छा खासा fortune हो गया. कुछ जो है जो humble backgrounds से थे वो अपना थोड़ा बहुत जो पैसा कमाया वो लेकर एक comfortable life lead करी उन्होंने ब्रिटेन में. So last topic this was which we completed. Next जो topic है हमारा वो है company rule expands, कि अभी तक हमने देखा ना कि बंगाल में जो है ये सारा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, कि कैसे बंगाल में उन्होंने ट्रेडिंग के लिए पहले आए थे 1651 में, फिर धीरे धीरे फोर्टिफिकेशन शुरू हुआ, बंगाल के जो नवाब थे उनसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, बैटल ऑफ पलासी आया, बैटल ऑफ बक्सर आया, एंड लेटर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ही बोला कि अब हम खुद ही जो है नवाब बन जाएंगे बंगाल के. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर मूविंग. So if we analyze the process of annexation of Indian states by East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. 1757 क्यों? आपको ये याद रखना पड़ेगा बैटल ऑफ पलासी कौन से साल में हुआ था. और बैटल ऑफ पलासी जो था ये एक रिमार्केबल इवेंट था. क्यों? क्योंकि इससे कंपनी ऑफिशियल्स को ये पता लगने लगा कि हाँ वी कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश आर रूल इन दिस कंट्री, राइट? सो उसके बाद क्या है, टेरिटरी एक्सपैंड होना शुरू हुआ. अब तक ट्रेड चल रहा था ना, अब धीरे धीरे टेरिटरी एक्सपैंशन होगा. टेरिटरी एक्सपैंशन कैसे? एनेक्स किया जाएगा, बाकी स्टेट्स को एनेक्स कर लिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा उनको. सो द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बाकी जो राजे रजवाड़े हैं उनकी तरह नहीं थी ये कंपनी. कैसे? जो बाकी जो राजा जो एम्परर्स जो किंगडम्स हुए वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर देते थे दूसरे किंगडम पे उसको एनेक्स करने के लिए, राइट? बट इन्होंने कंपनी ने कभी भी एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया किसी भी दूसरे एम्पायर पे. तो फिर क्या किया इन्होंने, कैसे एनेक्स किया? इन्होंने कुछ पॉलिटिकल, राइट, कुछ बाकी इश्यूज को इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया एंड देन इन्होंने एनेक्स किया. कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं कंपनी ने लॉन्च नहीं किए. अब आप एक चीज़ और सोचो, हमारे जो कंट्री है कॉलोनी था ना ब्रिटेन का, पूरे के पूरे हमारे कंट्री को कॉलोनी बनाया था ब्रिटेन ने, राइट? ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो क्या कभी भी मिलिट्री रूल था यहाँ पे? नेवर. कभी भी मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि पॉलिटिकली लोगों के माइंड को इस तरीके से खेला कि कैप्चर कर ली टेरिटरी को. सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स, राइट? इट वॉज नेवर एवर अ मिलिट्री कैंपेन. सो दे यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम. सो धीरे धीरे वो पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली चीज़ों को करके इंडियन किंगडम्स को एनेक्स करने लगे. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडियन स्टेट्स. बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हो रहा है कि जो बाकी इंडियन किंगडम्स हैं, जो बाकी इंडियन स्टेट्स थे वहाँ पे, जो बाकी राज्य थे वहाँ पे कंपनी अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंट करने लगी. क्लियर? कंपनी अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंट करने लगी. अभी रेजिडेंट्स कौन थे? रेजिडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल एजेंट्स थे कंपनी के, एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ये वो बंदे थे जो कंपनी की तरफ से थे एंड जो इंडियन किंगडम्स में जाकर बैठते थे. इससे क्या हो रहा है, इससे कंपनी को बहुत सारे एडवांटेज मिल रहे हैं.
कैसे, अब मान लो जैसे मैं कंपनी कोई बड़ा ऑफिशियल हूँ, मैं कंपनी का, मैंने अपने रेजिडेंट को बिठा दिया हैदराबाद में, बंगाल में, अवध में, जगह जगह पे। अब वो जो रेजिडेंट वहाँ पे बैठे हैं वो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन ला के देंगे, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि मैं डायरेक्टली उनके पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्लियर, कि नवाब ऑफ हैदराबाद क्या करना चाहता है, अवध में क्या हो रहा है, सो मुझे इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड मैं डायरेक्टली वहाँ पे उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो थ्रू द रेजिडेंस द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये जो रेजिडेंस वहाँ पे बिठा के रखे थे इंडियन स्टेट्स में, इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी अब इंटरफेयर करने लगी इंडियन स्टेट्स में, उनके इंटरनल मैटर्स में। कैसे, जैसे मान लो कोई राज्य है तो वहाँ पे कोई रेजिडेंट बैठा है, तो वो इंटरफेयर करने लगे अब कि यहाँ पे राजा कौन बनेगा, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस होने लगा। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। Sometime the company forced the states into a subsidiary alliance. So अब यहाँ पे आप धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, territory expand हो रही है, right? Territory expand होनी शुरू हुई since 1757. धीरे धीरे क्या हो रहा है, residents appoint कर दिए। अब वो local रूलर्स जो पहले पपेट नवाब चाहते थे, अब वो खुद नवाब बन रहे हैं धीरे धीरे। सो रेजिडेंट्स अपॉइंट करेंगे जो कि जगह जगह बाकी इंडियन स्टेट्स में बैठेंगे। धीरे धीरे जो इंडियन स्टेट्स थे, जो राज्य थे, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स को डोमिनेट करने लग जाएंगे, वहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे। एंड एक जो और कंपनी की पॉलिसी थी वो थी सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी क्या कहती है कि कंपनी ने बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, राइट, कि आप कंपनी के ट्रूप्स आर्मी को रखो एंड बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो कंपनी फोर्स करती थी बाकी राज्यों को कि आप हमारी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करो। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, राइट, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। कि कंपनी ने बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आप इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते हो, सो वील प्रोवाइड योर प्रोटेक्शन और आपको बदले में हमें इन सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे करना पड़ेगा। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखो कंपनी, और ये मान लो कोई किंगडम है, लोकल किंगडम। सो कंपनी बोल रही है कि लोकल किंगडम को आप हमें सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे करो, मतलब लोकल किंगडम कंपनी को पे करेगा एंड बदले में कंपनी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी लोकल किंगडम्स को। एंड ऑल्सो कंपनी कहती है लोकल किंगडम को कि आप अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वो धीरे धीरे टेरिटरी को लेने के चक्कर में इन पॉलिसीज पे आ गए, क्लियर। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. अगर कंपनी जो लोकल किंगडम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बदले में लोकल किंगडम पे कर रहा है कंपनी को, तो अगर ये पेमेंट नहीं हुआ, लोकल किंगडम ने पे नहीं किया कंपनी को, उस केस में कंपनी क्या करेगी, उस टेरिटरी, उस पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेगी, राइट। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेरिटरी भी अक्वायर हो रही है। सो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी क्या थी कि रूलर्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते हैं एंड कंपनी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कंपनी की फोर्सेस प्रोवाइड करेंगी, बदले में लोकल किंगडम्स को पे करना है। अगर वो पे नहीं करते हैं तो वो पार्ट जो है उनके किंगडम का वो ले लिया जाएगा पेनल्टी के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल 1798-1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. अब यहाँ पे इस सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है इसको स्टेट करते हुए कंपनी ने बहुत सारे रीजन्स को एनेक्स कर लिया था। जैसे नवाब ऑफ अवध जो है उसको फोर्स किया गया, उसकी हाफ ऑफ द टेरिटरी ले ली कि आपने हमें पे नहीं किया, अब आपने पे नहीं किया तो आप पेनल्टी भरो और सारी की सारी टेरिटरी हमें दे दो, राइट। सिमिलरली हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। जैसे आप इस फिगर में देखो, नवाब शजाउद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन्स एंड ब्रिटिश रेजिडेंट। सो
नवाब ऑफ अवध जो है उसको फोर्स किया गया कि आप हमें, आपने पे नहीं किया तो आपको हमें ये टेरिटरी देनी पड़ेगी। सिमिलरली हैदराबाद को भी इसी तरह से फोर्स किया गया सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को स्टेट करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। आपने शायद इनका नाम सुना होगा। सो द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम टीपू सुल्तान या हैदर अली की बात करते हैं तो वो जो रूलर्स थे वो थे रूलर्स ऑफ मैसूर। मैसूर जो है वो इंडिया के इस कोस्ट में, ये मालाबार जो कोस्ट है, राइट, मान लो ये पूरा रीजन है मैसूर का। तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसूर के जो रूलर्स हैं वो ट्रेड करते थे इस रीजन के थ्रू, राइट, मालाबार कोस्ट के थ्रू। टीपू सुल्तान और हैदर अली, हैदर अली वॉज फादर ऑफ टीपू सुल्तान, तो इन दोनों ने क्या किया, कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे टीपू सुल्तान ने मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप मालाबार कोस्ट से ट्रेड नहीं कर सकते हो। टीपू सुल्तान की अच्छी जो पड़ती थी वो थी फ्रेंच कंपनी के साथ, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने मना कर दिया कि आप मालाबार कोस्ट से ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इनका एरिया था। सो इस तरीके से बैटल्स होती हैं मैसूर किंगडम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की, राइट। सो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। हैदर अली वॉज फादर ऑफ टीपू सुल्तान। हैदर अली का रूल कब से कब तक था, 1761 टू 1782। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का रूल कब तक था, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक। सो मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। सो जिस जो हमने बात करी थी ना कि ये वाला जो कोस्ट है मालाबार कोस्ट, सो यहाँ से कंपनी जो है परचेज करती थी पेपर और कार्डमम को, राइट। मालाबार कोस्ट से कंपनी परचेज करती थी पेपर और कार्डमम। ये पूरा ट्रेड किसके अंडर में आता था, टीपू सुल्तान के अंडर में। सो टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हम आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, राइट। सो टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, बोला हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, एंड लोकल मर्चेंट्स को भी बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, राइट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टीपू सुल्तान की राइवलरी थी, टीपू सुल्तान की फ्रेंडशिप किसके साथ थी, फ्रेंच कंपनी के साथ। सो फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर फ्रेंच कंपनी टीपू सुल्तान की आर्मी को बेसिकली ट्रेन कर रही थी, कुछ मॉडर्नाइज कर रही थी, मॉडर्न टेक्निक्स बता रही थी, राइट। सो इससे ब्रिटिश जो है वो फ्यूरियस थे। अब पहली बात तो ये कि हमारे साथ ट्रेड बंद कर दिया, दूसरी बात ये कि हमारे दुश्मन के आप दोस्त हो गए हो। सो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलकर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रही है। द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। सो बहुत सारी यहाँ पे बैटल्स होती हैं हैदर अली के साथ भी एंड टीपू सुल्तान के साथ भी। बेसिकली चार वॉर्स हुई हैं यहाँ पे जिनको हम एंग्लो मैसूर वॉर्स बोलते हैं। राइट, एंग्लो इज ब्रिटिश, मैसूर तो मैसूर के किंगडम के साथ वॉर हो रही थी। सो एंग्लो मैसूर वॉर्स होती है 1792 में, अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी। यहाँ पे फिर वही बात आ रही है जो मीर जाफर वाली बात थी ना, कि पहले सिराजुद्दौला जो नवाब था उसका कमांडर था मीर जाफर। सो मीर जाफर ने क्या किया, धोखा दिया अपने नवाब को। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इंडियन रूलर्स जो हैं वही इंडियन रूलर्स को धोखा दे रहे थे। अगर वो ऐसा नहीं करते, इंडियन रूलर्स एक साथ यूनाइटेड रहते, तो प्रोबेबली ईस्ट इंडिया कंपनी इतना रूल नहीं कर पाती। सो यहाँ पे भी वही हुआ कि पहले हैदर अली और जो टीपू सुल्तान है वो बहुत ब्रेव रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे। सो वो हरा रहे थे कंपनी को लगातार बैटल्स में। कंपनी ने फिर से वही पॉलिसी अपनाई,
मराठास को अपनी ओर शामिल कर लिया एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सो अब जो बैटल हुई वो किसके बीच में थी, एक साइड टीपू सुल्तान की फोर्सेस, दूसरी साइड हैदराबाद प्लस मराठास प्लस कंपनी। सो कंपनी ने फिर से हैदराबाद और मराठास को अपनी साइड कर लिया एंड दूसरी तरफ टीपू सुल्तान। सो इस तरीके की पॉलिसी से ये लोग जीत रहे थे बार बार। सो इन तीनों ने मिलकर, हैदराबाद, मराठास एंड कंपनी तीनों ने मिलकर अटैक किया एंड टीपू वॉज डिफीटेड। सो अगर इस तरीके से ये लोग नहीं करते प्रॉब्ली, उस टाइम कंपनी का साथ नहीं देते, सो ये नौबत ही नहीं आती। सो टीपू वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश बाय विच टू ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज हॉस्टेजेस। सो अगर जब टीपू हार गया बैटल में, सो टीपू को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी ब्रिटिशर्स के साथ। British painters always liked painting scenes that showed the triumph of British power. एक बेसिकली लंदन में म्यूजियम में एक पेंटिंग भी रखी है ना, कि एक सोल्जर है एंड ऊपर एक लायन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इस स्टोरी से देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है, द लेजेंड ऑफ टीपू। सो किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाई लेजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू द फोकलोर। यहाँ पे एक लेजेंड की स्टोरी है टीपू सुल्तान की, हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782। कब तक था इनका रूल, 1799 में। देन ही इज किल्ड। इट इज सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड। जो टीपू सुल्तान है उसकी फ्रेंडशिप थी फ्रेंच कंपनी के साथ, राइवलरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो हंटिंग के लिए शिकार पे गया जंगल में विद अ फ्रेंच फ्रेंड। सो वहाँ पे उसका सामना होता है एक टाइगर के साथ। अब उस टाइम क्या हुआ, टाइगर उसके सामने है, उसकी गन नहीं चली और उसका जो डैगर, उसका जो चाकू था वो ग्राउंड पे गिर गया। तो वो अनआर्म्ड था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो वो अनआर्म्ड जो था उस टाइगर के साथ लड़ा एंड ही मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द डैगर। कि वो अनआर्म्ड बिना हथियार के टाइगर से लड़ाई करता है, अपना जो डैगर, अपना जो चाकू था ज़मीन से उठाता है और उसके बाद टाइगर को मार देता है। सो इसके बाद जो है, इस स्टोरी के बाद टीपू को बोला गया टाइगर ऑफ मैसूर, राइट। सो इस तरह की काफ़ी सारी लेजेंड स्टोरीज, जो फोक स्टोरीज हैं वो हम सुनते हैं। सो ऐसी एक इमेज है जो लंदन के म्यूजियम में भी है एंड नीचे जैसे एक सोल्जर है ऊपर टाइगर है। सो इंडिया में जो उसका वर्जन है वो ये है कि लुक टाइगर इज अबव द सोल्जर, और जो लंदन के म्यूजियम में है वहाँ पे उल्टा कर दिया जाता है कि सोल्जर इज अबव अ टाइगर। दे सॉ हैदर एंड टीपू इज एम्बिशियस। यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, राइट। दे सॉ हैदर एंड टीपू इज एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश। सो मैंने बोला ना, फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ी गई थी ब्रिटिश एंड मैसूर किंगडम के बीच में, जिसमें से एक वॉर जो है, जो थर्ड वॉर होती है, उसमें मराठा, हैदराबाद प्लस कंपनी टुगेदर दे डिफीटेड। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगापाटम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। सो उससे पहले ऐसा नहीं था कि कोई क्लियर विक्ट्री हो रही थी कंपनी की, बिकॉज हैदर एंड टीपू ऑल्सो डिफीटेड द कंपनी। सो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापाटम। लेटर मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडियार्स। इनिशियली जो डायनेस्टी रूल कर रही थी मैसूर पे वो थी वोडियार्स की, राइट। वोडियार्स के बाद ये लोग रूल करते हैं हैदर एंड टीपू, और उसके बाद फिर से वोडियार डायनेस्टी ही रूल करने लग जाती है मैसूर में, और वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। सिमिलरली वही सब्सिडरी अलायंस जो है वोडियार्स पे भी इम्पोज कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो है वॉर विद द मराठास। पहले हमने मैसूर देखा, अब आप एक ही चीज़ देखो, मैसूर में जब टीपू के अगेंस्ट बैटल थी तो उसमें कंपनी के साथ मराठास भी थे, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉर विद द मराठास, राइट। सो अब यहाँ पे हमने देख लिया ना कि कंपनी वाले किसी के नहीं है, सो कंपनी अगेंस्ट नाउ विद मराठास, क्लियर। सो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। लेट 18th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, वॉर्स होंगी किसके बीच, कंपनी एंड मराठा, एंग्लो मराठा वॉर्स।
पहले मैसूर के साथ फिर मराठा के साथ। अब आप एक चीज़ देखो, ये धीरे धीरे वॉर्स करके क्या कर रहे हैं, पहले मैसूर को वॉर करके कैप्चर किया, वोडियार्स को दे दिया, सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर दिया, तो वो पूरा एरिया उनके अंडर आ गया। मराठा जो इतना बड़ा एरिया था, सो उसको भी अब वो धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे। विथ द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट और सेकेंड जो है मुगल एम्परर्स के टाइम पे हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में। एक चीज़ अब आप यहाँ से फिर से रिलेट करो, प्लासी कब थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी कब थी, 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। सो उसी टाइम पे पैरेलली आप चीज़ों को रिलेट करना, उसी टाइम पे क्या हो रहा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड मराठास थॉट कि दे विल विन इन दिस बैटल, लेकिन मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग द दिल्ली वॉज शैटर्ड, राइट। दे वर डिवाइडेड इन टू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, सरदार बिलोंगिंग टू डिफरेंट डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। सो मराठास में ये बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टी, मराठास बहुत बड़ा एक एम्पायर था एंड उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक चीज़ और देखो कि दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी अंडर अ पेशवा। सो कॉन्फिडरेसी क्या है, अलायंस। सो ये सारे जो हमने देखे अलग अलग थे, भोसला, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, तो इनके जो चीफ्स थे ये सभी एक अलायंस में थे अंडर अ पेशवा। पेशवा कौन है, प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। सो पेशवा यहाँ पे क्या है, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है एंड ये सारे चीफ्स उसके साथ एक अलायंस में है। महजी सिंधिया एंड नाना फडनेस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। सो इनके नाम आप याद रख लेना, महजी सिंधिया एंड नाना फडनवीस। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाय, देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री। सो काफ़ी सारी वॉर्स जो हम बात करें ना कि एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, सो इट वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर्स। सो ऐसा नहीं है कि क्लियरली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती हो उसमें। सो इनिशियली जो 1782 में जो वॉर एंड हुई और ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सालबाय, तो कोई क्लियर विनर नहीं था उसमें। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से 5 तक थी, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। अब इस चीज़ में हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे टेरिटरीज एक्सपैंड हो रही हैं, राइट। सो मैसूर कैप्चर कर लिया, उससे पहले बंगाल ले ही रखा था, राइट। अब मराठा से जो वॉर हुई, पहली वॉर में कोई क्लियर विनर नहीं था, एक ट्रीटी साइन हो गई। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है उसमें ब्रिटिशर्स उड़ीसा को कैप्चर कर लेते हैं प्लस आगरा एंड दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। सो ये सारी टेरिटरीज अब अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 क्रश्ड द मराठा पावर। सो तीन यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर हुई है। सो फर्स्ट में कोई क्लियर विनर नहीं था, राइट। सेकेंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उड़ीसा एंड यमुना के ऊपर वाला जो रीजन है, आगरा दिल्ली वाला रीजन कैप्चर कर लेती है। थर्ड में जो है क्लियर विनर एमर्ज होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद द पेंशन। सो पेशवा जो इनिशियली मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, उस पोजिशन को उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड ही वॉज सेंट अवे। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास माउंटेन रेंज है ना, आप देखते हो सातपुरा, विंध्या, सेंट्रल पार्ट में अगर आप देखो नर्मदा रिवर जहाँ से फ्लो कर रही है, विंध्यन माउंटेन रेंज। सो विंध्या से जो साउथ में अब टेरिटरी थी उसमें कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल आ चुका था। हमने देखा बंगाल को कैप्चर कर लिया, राइट, मैसूर को कैप्चर कर लिया। अब ये बड़े बड़े एम्पायर्स थे ना, मैसूर कैप्चर कर लिया, मराठास उनकी सारी प्रेसिडेंसी कैप्चर कर ली, उड़ीसा कैप्चर कर लिया, यमुना दिल्ली वाला रीजन, आगरा रीजन ये सारा कैप्चर कर लिया, हैदराबाद कैप्चर कर लिया, राइट। सो साउथ ऑफ विंध्यास जो है कंप्लीट टेरिटरीज अब अंडर कंट्रोल थी कंपनी के। नेक्स्ट है द क्लेम टू पैरामाउंसी।
फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन. इनिशियली जो उनकी पॉलिसी थी पहले ट्रेड की थी, फिर एक्सपेंशन पे आए. जब क्लाइव ने बोला कि हम खुद नवाब बन जाएंगे, धीरे धीरे टेरिटरीज एक्सपेंड करने लगे. डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया किसी पे, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली दे डेल्ट. लेकिन अब क्या हो रहा है, अर्ली 19th सेंचुरी, राइट, 1800s की हम बात कर रहे हैं. सो कंपनी की अब पॉलिसी क्या थी, अग्रेसिव फ्रंट पे थी, राइट, कि अग्रेसिवली टेरिटरीज को एक्सपेंड करना है. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 23 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड. लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल थे तो इनके टाइम पीरियड पे 1813 टू 23 के बीच में अब उनकी पॉलिसी चेंज हो रही थी. कैसी पॉलिसी आ रही, शिफ्ट हो रहा था पॉलिसी में टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, दैट इज सुप्रीम, सुप्रीमेसी की अब उनमें फीलिंग आ रही थी, राइट. सो पैरामाउंसी. नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स. अब कंपनी का क्या कहना है, जब उन्होंने इतने सारे रीजन को कैप्चर कर लिया है, अब कंपनी का कहना है कि हमारी जो पावर है वो सुप्रीम है, मतलब हमारी पावर ही सबसे ज़्यादा है. किससे ज़्यादा, इंडियन स्टेट्स की पावर से ज़्यादा. ये जो कंपनी है इट इज़ नाउ सुप्रीम, राइट, कि कंपनी इज नाउ सुप्रीम, हमारी जो पावर्स है वो इंडियन स्टेट्स की पावर से कहीं ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स इन एनी इंडियन किंगडम. अब इस डर को दिखा के वो किसी भी इंडियन टेरिटरी को एनेक्स कर सकते थे कि देखो आपकी पावर कुछ नहीं है, हम जो है वो सुप्रीम है, हमारी पावर सबसे ज़्यादा है, राइट. सो इट बिकेम ईजी फॉर देम नाउ टू एनेक्स टेरिटरीज. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड. ऐसा नहीं है कि सारे लोग चुपचाप बैठ के देख रहे थे और किसी ने कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं किया. दिस वॉज नॉट द केस, प्रोटेस्ट हुए हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, जब ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर इन कर्नाटका, रानी चानम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट. ये यहाँ पे स्टैचू भी है, स्टैचू ऑफ क्वीन ऑफ कितूर. तो जब ये क्लेम ऑफ पैरामाउंसी जो एनेक्स कर रहे थे छोटे छोटे किंगडम्स को, स्टेट्स को, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने रेजिस्ट नहीं किया या किसी ने चैलेंज नहीं किया. यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखता है रानी चानम्मा का. इन्होंने आर्म्स लेकर एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट किया, राइट. इन्होंने रेजिस्ट किया कि हम हमारी जो टेरिटरी है वो नहीं देंगे, राइट. सो इस तरीके के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए. एक और चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ रही है, जो हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो मंगल पांडे की स्टोरी है, जो हम रिवोल्ट पढ़ते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको मान लो रातों रात कुछ हुआ और एकदम से रिवोल्ट आ गया. ऐसा कभी नहीं होता है. आप हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखो, सो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से नेशनलिस्ट लोग जागे और एकदम से इंडिपेंडेंस मिल गई. कितना उन्हें टाइम लगा. सो सिमिलरली कोई भी रिवोल्ट जो है वो रातों रात नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत लंबे एफर्ट्स भी होते हैं. सो जो अभी हम कहाँ से कहाँ तक की बात करें, 1813 टू 23 की बात करी ना हमने, कि लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल थे. सो ये जो टाइम पीरियड है, लाइक 1800 से टिल 1857, सो इसमें बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं. सो इस तरीके के काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए एंड उनका कल्मिनेशन था मेजर रिवोल्ट ऑफ 1857. सो रानी चानम्मा व्हेन शी प्रोटेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में एंड शी डाइड इन प्रिजन इन 1829. लेकिन रायन अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर, ही कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस. सो एक के बाद एक लोग जुड़ रहे थे मूवमेंट में एंड With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. So, local, जो regional level पे जो है movements, anti-British movements were widespread. So, in the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. ये क्यों? It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. हमने स्टार्टिंग से यही बात की ना कि जो सारे हिस्ट्री में हम यूजुअली पढ़ते हैं कि जो सारे रूलर्स आए, फॉरेन रूलर्स, इन्वेजन्स, जो भी हुआ नॉर्थ वेस्ट से आए. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अब क्या पड़ रहा है, अफगानिस्तान, राइट,
क्योंकि पाकिस्तान तो तब हमारा ही पार्ट था, अफगानिस्तान था नॉर्थ वेस्ट में। सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको डर था रशिया से कि कहीं रशिया एक्सपैंड ना कर ले और इस रीजन से इंडिया में ना आ जाए, राइट। सो इस फियर के चलते ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। साउथ उन्होंने कैप्चर कर लिया, बंगाल ले लिया, उड़ीसा ले लिया, दिल्ली यमुना ये रीजन ले लिया। अब उनको डर था कि कहीं रशिया इस तरफ से एशिया में एक्सपैंड ना करे, सो हमें ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन भी लेना है। सो अब वॉर किसके साथ होगी? एंग्लो अफगान वॉर्स, राइट। अफगानिस्तान के साथ वॉर होंगे एंग्लो ब्रिटिशर्स, अफगान इज अफगानिस्तान, क्लियर। सो दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1853, नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। अब नॉर्थ वेस्ट से वो आ रहे हैं, अफगानिस्तान उन्होंने इनडायरेक्टली कैप्चर किया, लेटर सिंध को ले लिया, नेक्स्ट जो है वो पंजाब की बारी थी। पंजाब में जो उस टाइम राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, ही हेल्ड बैक द कंपनी। इनिशियली जो है इनकी कंपनी के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, यहाँ पे आप देख सकते हो महाराजा रणजीत सिंह होल्डिंग हिज कोट। सो इनिशियली जो है महाराजा रणजीत सिंह की अच्छी थोड़ी फ्रेंडशिप थी कंपनी के साथ, बट उनकी डेथ के बाद पंजाब के साथ वॉर्स होती है एंड देन पंजाब को एनेक्स किया जाता है। सो आफ्टर हिज डेथ इन 1839 दो वॉर्स लड़ी जाती है विद द सिख किंगडम, अल्टीमेटली 1849 डेथ होती है 1839 में, 10 साल बाद पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है। अब आप ये देखो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जो है वो ही वॉज लाइक अ फ्रेंड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों की फ्रेंडशिप थी, बट स्टिल क्या हो रहा है यहाँ पे, उनकी डेथ के बाद उनके किंगडम को भी एनेक्स कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस। अब धीरे धीरे एनेक्सेशन पढ़ रहे हैं ना हम, क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, सब्सिडरी अलायंस, लास्ट जो है सीरीज में वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इट अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856-57 में जो है रिवोल्ट होने वाला है ना। सो उससे पहले लॉर्ड डलहौजी के पीरियड पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी पॉलिसी थी? लॉर्ड डलहौजी की। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर कोई इंडियन रूलर है, जो इंडियन लोकल रूलर्स है, अगर किसी इंडियन लोकल रूलर की डेथ हो जाती है और विदाउट अ मेल आर, मतलब उसका कोई मेल मतलब कोई बेटा नहीं है, सो उसकी जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, राइट। सो अगर किसी इंडियन रूलर का कोई बेटा नहीं है जो सक्सीड करे थ्रोन को, सो टेरिटरी को एक्वायर कर लिया जाएगा। अब इस डॉक्ट्रिन को देते हुए बहुत सारी जगह को एनेक्स कर लिया कि राजा की तो डेथ हो गई है, कोई मेल आयर नहीं है, कोई बेटा नहीं है सक्सीड करने के लिए, सो ये टेरिटरी हमारी। सो वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन, जैसे सातारा, सांबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी इन 1854। हम रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पढ़ते हैं ना कि व्हेन द किंग डाइड, सो हालांकि जो उनका अडॉप्टेड बेटा था, बट स्टिल द कंपनी जो है उन्होंने झांसी को एक्वायर कर लिया एंड शी फॉट वेरी वेरी ब्रेवली कि शी डिडंट वांट टू गिव हर किंगडम। सो एक के बाद एक किंगडम्स इस तरीके से एनेक्स कर लिए बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। जो पहला सबसे पहले सातारा एनेक्स किया, नागपुर, झांसी, अवध, सो मेनी वर एनेक्स्ड। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। अब अवध भी ले लिया है। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाई ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। जब अवध को एनेक्स करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कैसे? कि जो अवध में जो नवाब है उसकी मिस गवर्नेंस है, कि वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है, तो लोगों को उससे फ्री करने के लिए नाउ वील टेक ओवर द अवध। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज, द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन
1857. सो जिस तरीके से नवाब को ह्यूमिलेट किया गया उसके मिस गवर्नेंस के आधार पे, सो जो लोग थे अवध के वो सारे इकट्ठे आके उन्होंने ज्वाइन किया 1857 के रिवोल्ट को. सो ये मैप बेसिकली बता रहा है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया. ये है इंडिया इन 1797. स्टिल अभी ट्रेड के बाद धीरे धीरे स्टार्ट किया था ना. सबसे पहले आप ये देखो, ये रीजन जो है कैलकटा वाला रीजन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया. सो धीरे धीरे ये पोर्शन ले लिया, थोड़ा जो है हैदराबाद का पोर्शन, थोड़ा मैसूर का पोर्शन. ये जो येलो एरिया है दिस इज़ अंडर ब्रिटिश रूल. अब कुछ सालों बाद 1840 का अगर आप मैप देखो, ये जो येलो पोर्शन है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना. दिल्ली आगरा ये रीजन कैप्चर कर लिया, बनारस कैलकटा राइट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड दिस लाइक अंडर मैसूर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. लेटर इंडिया 1857 में आप देखो कि येलो जो रीजन है ये कितना ज़्यादा हो गया राइट. हमने देखा ना अफगान वॉर्स जो लड़ी गई, ये वाला रीजन इनडायरेक्टली आ गया. सिंध प्रोविंस कैप्चर कर ली, पंजाब को एनेक्स कर लिया, अवध को एनेक्स कर लिया. सो एरिया अंडर एक्सपेंशन ब्रिटिश का आप इसमें देखो तो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था इन 1857. अच्छा हम 1857 तक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1858 से शुरू होता है क्राउन रूल राइट. मतलब इट इज नॉट द कंपनी रूल, नॉट द कंपनी रूल राइट. सो हमने यहाँ पे 1857 तक देखा, उस टाइम रिवोल्ट होता है. रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा वरना कंपनी जो है सारी पावर्स लूज कर देगी. सो अब कंपनी को कोई पावर ना देकर 1858 से शुरू होता है क्राउन रूल, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल. ओके, अब तक कंपनी का रूल था 1858 से टिल जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता 1947 तक, तब तक रूल रहता है ब्रिटिश क्राउन का, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल राइट. सो नेक्स्ट सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन राइट. वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑल्सो रिमेंबर, वॉज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. अब धीरे धीरे अपनी कंपनी की पावर बढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. हम पढ़ते हैं ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी राइट. सो ये क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी. प्रेसिडेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी जिसमें कि डिविजन हुआ था बेसिकली. देयर वर थ्री प्रेसिडेंसीज, तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर एक प्रेसिडेंसी पे इंडिपेंडेंट गवर्नर था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल राइट. सो आप यहाँ पे देखो, ये है गवर्नर जनरल राइट. तीन प्रेसिडेंसीज हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट, बंगाल देन मद्रास देन बॉम्बे राइट. बंगाल मद्रास बॉम्बे एंड हर एक का अपना गवर्नर था राइट. एंड उनको सुप्रीम कंट्रोल कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल. क्लियर. वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए जब वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे. कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स. From 1772, a new system of justice was established. ध्यान रखो यही वो टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है 1773 में. सो 1772 में जस्टिस के स्फीयर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव टू कोर्ट्स. अब यहाँ पे देखो आप, ये वालों डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली दो कोर्ट्स थे. कौन सा, पहला क्रिमिनल, दूसरा सिविल राइट. क्रिमिनल मैटर्स के लिए क्रिमिनल कोर्ट, जिसको कि फौजदारी अदालत बोला गया. सिविल कोर्ट को क्या बोला गया, दीवानी अदालत, जहाँ पे सिविल मैटर्स को देखा जाता था. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स राइट. जो यूरोपियंस थे उनके लिए इन लॉज को कौन पढ़ के बताता था, मौलवीज फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदू पंडित्स
राइट. तो बेसिकली ये उस टाइम पे बैठते थे कोर्ट्स में. क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती. काजी क्या है? जज. राइट. काजी मतलब जो मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही वहाँ पे जो है इंसाफ मिलता था, ऐसा नहीं है. जो ओवरऑल हेड की हम बात करें तो वो काजी था. मुफ्ती कौन है? मान लो जो जज ने जो बात कही उसको लोगों तक पहुँचाने का काम जो करेगा. बेसिकली रिलीजियस लीडर्स थे ये. राइट. सो अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. इनको सुपरविजन में किसके थे? कलेक्टर्स के. ये वही कलेक्टर्स हैं जो आज हम देखते हैं ना कि कलेक्टर बन गया, तो वही वाला कलेक्टर है ये. क्यों? क्योंकि ये हमने जो कलेक्टर्स वाली पोस्ट है, सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है, ये हमने ब्रिटेन से ही उठाई है. मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट ब्राह्मण पंडित्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. राइट. जो ब्राह्मण पंडित्स थे वो बेसिकली जो अलग अलग धर्मशास्त्र के स्कूल से बिलोंग करते थे, तो हर एक लॉ का अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे. राइट. सो भाई कॉमन लॉ कैसे बनाया जाए? क्योंकि अगर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देंगे तो जस्टिस कैसे होगा? सो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. कि 11 पंडितों को बोला कि आप एक कंपाइलेशन दे दो हमें हिंदू लॉज का. बाद में एन बी हालहेड ने इस हिंदू लॉज को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में. 1778 में अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. सिमिलरली एक हिंदू लॉ था, उसके बाद एक मुस्लिम लॉ को भी कंपाइल कर लिया. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था. राइट. 1773 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया. वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकाता. 1773 में हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर. आज भी वही है प्रिंसिपल फिगर इंडियन डिस्ट्रिक्ट में. कौन है? कलेक्टर. हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास. सो मेन काम क्या है कि जो लैंड है वहाँ से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना एंड वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. हिज ऑफिस द कलेक्टरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज. सो धीरे धीरे पावर जो है वो इस नए पोजिशन पे आ रही है, कलेक्ट्रेट पे आ रही है. नेक्स्ट है द कंपनी आर्मी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ. हमने देखा ना कि अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जस्टिस के स्फेयर में लाए. अब हम आर्मी के स्फेयर में पढ़ते हैं. सो इनिशियली ब्रिटिश जो आर्मी है उससे पहले, ब्रिटिशर से पहले किसका रूल था? मुगल्स का रूल था, है ना? मुगल्स का रूल था. तो मुगल आर्मी कैसी थी? मुगल आर्मी में बेसिकली कैवलरी, सवार्स, ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री. सो बेसिकली दो डिविजन्स थे. ये हम मुगल आर्मी की बात कर रहे हैं. राइट. मुगल आर्मी हैड टू डिविजन्स. पहला क्या है? कैवलरी. दूसरा इन्फेंट्री. कैवलरी क्या है कि जो हम घुड़सवार बोलते हैं ना, वो कैवलरी में आता है. इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सोल्जर्स हो गए ऑन फुट. सो सवार मैन ऑन हॉर्सेस. जो घुड़सवार जो है वो कैवलरी में आएगा, इन्फेंट्री में जो पैदल सोल्जर्स की हम बात करते हैं वो इन्फेंट्री में आएगा. सो मुगल पीरियड में क्या है, ये कैवलरी पे ज़्यादा फोकस होता था कि बंदे ऐसे घुड़सवार जो हैं वो लड़ाई करने जा रहे हैं, वो उस पर ज़्यादा फोकस होता था. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इन्फेंट्री पे फोकस होगा, जो पैदल वाले सोल्जर्स है ना उन पे ज़्यादा फोकस होगा ब्रिटिश में. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड. सो जो पैदल वाले थे उनको तीर सिखाना, तलवारबाजी करना, ये सब सिखाया जाता था. कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री. मुगल पीरियड की हम बात करें तो जो कैवलरी है, जो घुड़सवार है, वो डोमिनेट करते थे. तो मुगल्स को ऐसा लगा नहीं कभी कि हमें जो पैदल वाले सोल्जर्स है, इन्फेंट्री है, उसको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए. राइट. सो द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पेजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स. सो जो पेजेंट्स हैं बेसिकली उन्हीं को एज पैदल सोल्जर्स बनाकर भेज दिया जाता था, क्योंकि डोमिनेंस किसकी थी? कैवलरी की, घुड़सवारों की. चेंज इसमें कब आता है? अब चेंज जो है वो कैवलरी से शिफ्ट होकर जाएगा इन्फेंट्री में. राइट. अब घुड़सवार से ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलेगी सोल्जर्स को एंड उनको ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा, ज़्यादा प्रोफेशनली डेवलप किया जाएगा.
Change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army and training them, right? जब Awadh और Banaras जैसे states जो हैं peasants को recruit करते हैं and उनको train करते हैं, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Soldiers की training हो रही है professionally. ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही सेम मेथड अडॉप्ट करती है जब वो अपनी आर्मी रिक्रूट करती है, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी. इंडियन वर्ड सिपाही से आया है, सिपॉय राइट मीनिंग सोल्जर्स. सो ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही मेथड अडॉप्ट करती है कि सिपाही पे ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा फोकस किया जाता है. As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. अब क्या है, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मतलब लड़ाई करने के तरीके जो है चेंज हो रहे हैं. कैसे, आप यहाँ से समझो, कैवलरी. अब मान लो जो घुड़सवार है ना, एक तरफ घुड़सवार है, एक तरफ सोल्जर्स हैं जिनके पास गन्स है ना. अब गन्स वाले जो सोल्जर है वो तो दूर से चाहे तो घुड़सवार को मार सकता है, राइट. अब क्या हो रहा है, वॉरफेयर मेथड चेंज हो रहा है, लड़ाई करने का तरीका चेंज हो गया, तो इनकी जो प्रोमिनेंस थी वो कम हो गई ऑटोमेटिकली कि अब गन्स इंट्रोड्यूस हो रही है ना. तो जब गन्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो कैवलरी डिक्लाइन पे थी एंड इन्फेंट्री इंक्रीज पे थी. सो इसलिए हम कहते हैं कि लड़ाई करने का तरीका चेंज हुआ. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल्जर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है एंड जो सोल्जर्स थे उनके पास अब गन्स थी, मस्केट जैसे, वो नहीं है कि हम छिलके फिर वो कार्ट्रिज भर के फिर गन चलाते थे जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते हैं, राइट. मैचलॉक सेम, जो हम गन पाउडर भरते थे, जो पुरानी गने आपने देखी हो कभी मूवीज में, सो दोज वर इंट्रोड्यूस नाउ, राइट, कि कार्ट्रिज छिलके फिर भरना. इसी से हम 1857 का रिवोल्ट भी रिलेट कर सकते हैं कि जब उन्होंने ऐसा सुना, अफवाह फैली थी कि पिग फैट एंड काउ फैट को जो है ग्रीस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो लोगों, जो सोल्जर्स थे वहाँ पे, उनको लगा कि ये हमारे कास्ट, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है एंड दैट इज़ वाई दैट रिवोल्ट ब्रेक डाउन. सो अब क्या हो रहा है कि गन्स के यूज़ की वजह से वॉरफेयर मेथड चेंज हो रहा है. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important, right? तो अब shift किस पे change हो गया? Infantry पे. Early 19th century में British began to develop a uniform military culture. Britishers जो है अब एक uniform military culture बना रहे थे, पर इससे problems थी. अब ब्रिटिशर्स ने तो एक कल्चर बना दिया, उनको तो ये नहीं पता कि जो उसमें हिंदू सोल्जर्स या मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनके रिलीजन के सेंटिमेंट्स क्या हैं या कास्ट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, राइट. सो इससे प्रॉब्लम्स भी आई. सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग डिल डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. सो अब क्या है, उनको मोर ट्रेनिंग दी जा रही थी, ज़्यादा ड्रिल्स पे फोकस हो रहा था. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. कि जहाँ पे uniformity पे focus किया जा रहा था वहाँ पे उन लोगों के religion sentiments के बारे में नहीं सोचा गया. And that is why हम कहते हैं कि जो 1857 का revolt है वो picture में आता है. What did the sepoys feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is the sense of who they were. सो इसके बारे में हमें पता चलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्यूचर लेक्चर्स में. लास्ट टॉपिक है, अब हम जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हम कंक्लूड क्या करते हैं इस चैप्टर से, कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ट्रेडिंग कंपनी थी, राइट, ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी और एस्टैब्लिश करती है अपने रूल को, टेरिटरी एक्सपैंड करती है, वॉर्स लड़ती है, जीतती है, अपने इस्टैब्लिश करती है. अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी वॉज ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस. जब हम इंडिया में बात करते हैं तो पैरेलली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, राइट. वर्ल्ड में यूरोप की अगर बात करें, मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, मशीन्स आ रही थी, मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, राइट. सो टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी. सो तब तक क्या है, 6 से 8 महीने लगते थे. स्टीम शिप्स के आने के बाद क्या हुआ, ये जर्नी टाइम सिर्फ 3 रिड्यूस्ड
सॉरी स्टीमशिप रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 वीक्स. तो उसके आने के बाद टाइम रिड्यूस हो गया, पहले 6 से 8 महीने लग रहे हैं, अब टाइम रिड्यूस होकर 3 वीक्स, अनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम. सो इससे क्या है, टाइम कम लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इंडिया में. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. 1857 आते आते British East India Company जो है around 63% Indian territory को rule कर रही थी, right? So ये एक बड़ा picture हमें provide कर रहा है East India Company के बारे में. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. So initially trading ke liye aaye, territory capture karne lage, Bengal, Marathas, Mysore, Agra, Yamuna, Sindh, Punjab, right? So whole of the territory hum keh sakte hain virtually, jo humne map mein bhi dekha ki sara ka sara almost 63 to 70% territory jo hai wo under company rule ho gaya tha. Clear? सो ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. सो हिस्ट्री का चैप्टर 2 आपका कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर कर लिया है. सो राइट, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर द क्लास.